राशन डीलर पर राशन कार्ड में गड़बड़ी कर गरीबों का राशन हड़पने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। लक्सर तहसील क्षेत्र के हबीबपुर कुड़ी के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर आरोप लगाए कि हमारा डीलर राशन कार्ड में हेरा फेरी करता चला आ रहा है। लोगों को पीले राशन कार्ड दिए गए हैं, राशन कार्ड उनके नाम पर सफेद राशन कार्ड का राशन आ रहा है। कुछ ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आप परसों राशन ले जाना, राशन कार्ड जमा कर दें, उसके बाद राशन कार्ड उनके मुंह पर फेंक कर मार देता है और राशन भी नहीं देता, उसमें राशन की एंट्री भी कर देता है। कुछ ग्रामीणों ने एक गंभीर आरोप भी लगाया कि हमारे गांव का राशन डीलर करीब 10 वर्ष से चीनी भी नहीं दे रहा है। यह एक गंभीर सवाल है जो कि गुलाबी राशन कार्ड की सरकार की ओर से चीनी और रही है और राशन डीलर उसको हड़प रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि एक तो लॉकडाउन होने के कारण गरीब मजदूर किसानों का काम बंद पड़ा है और ऊपर से राशन डीलर ग्रामीणों के साथ राशन हड़पने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बावजूद राशन डीलर किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हबीबपुर कुड़ी के ग्रामीणों ने कहा कि अगर हमारे राशन डीलर के खिलाफ संबंधित अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करता तो हमें घर पर ही रहकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लक्सर से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। तो राशन लेने गई थी मैं, कहने लगा पर्ची बाहर दिखाई, कहने लगा अंदर ले जाओ, अंदर वो बैठा था। मेरी पर्ची ठाक फेंक मार दी, मैंने कहा इनके हिसाब से मुझे राशन दो, तो इतना सुनकर मेरी पर्ची फेंक मार दी, राशन कार्ड ले आओ, राशन तमाम मिलेगा। मेरा राशन कार्ड सफेद था, वो पेड़ा बना दिया, राशन कार्ड वहीं रख लिए, उन पर राशन झुट्टे चढ़ा दिया, अके राशन इन्हें मिल चुका। अब ये बताओ हम क्या करो, हमारा राशन चाहिए, हम जो उस दिन से आज तक रखा वो हमारा राशन चाहिए, ना चीनी ना मिट्टी का तेल, बहुत हम मिला ही तक नहीं है, वो मुद्दत होगी हमें नहीं मिला वो राशन। ये राशन डीलर जो है, चाहे वो हबीबपुर कुड़ी हो चाहे कहीं भी हो, इन लोगों ने मनमानी कर रहे हैं, ना किसी को चीनी दे रहे हैं, ना किसी को तेल दे रहे हैं, और राशन भी देते हुए इनको धमका देते हैं। किसी का पीला कार्ड चढ़ा हुआ, किसी का उल्टे सीधे कार्ड चढ़े हुए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और बेचारे जो गरीब लोग हैं वो परेशान हैं, बेचारे उनको धमका देते हैं, वो अपने घर वापस आ जाते हैं। और चीनी और तेल आज तक किसी डीलर ने किसी को नहीं दिया, वो कहाँ गया है पता नहीं, घोटाला कैसे खपरा है समझ में नहीं आ रही, ना अधिकारी को ध्यान दे रहा चीज को, अधिकारियों को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। गरीब आदमी को चीनी और तेल मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, सही ढंग से काम होना चाहिए। मैं जैसे उसने कहा कि अपना राशन कार्ड दर जाओ, राशन परसों को मिलेगा या कल को, तो फिर जब राशन बचा तो फिर लेना दे दो, राशन कार्ड उठाकर और कट्टा उठाकर हाथ में दे दिया कि यहाँ राशन तो इसमें चढ़ा हुआ, उसने झुटकड़ी इसमें झुटकर का राशन चढ़ा दिया। फिर चीनी और तेल तो आज तक कभी मिला ही नहीं है यहाँ से, ऐसा कैसा कोटा हो गया जो दाल भी एक एक किलो मिली, सिर्फ एक एक किलो दाल दिए नहीं, सब जगह सब कोटो में दो दो किलो दाल मिली, और उन्हें एक किलो दाल दी, जो उसे पूछे जा कर जाओ ना धमका कर मार दो। बोलना चाहता हूँ जी, उसमें राशन कार्ड जो हमारे बने थे सफ़ेद बने थे 4 साल पहले, तो अब उसने क्या किया, अधिकारियों से साठ गांठ करके उन्हें पीले राशन कार्ड बनवा दिए। जो हमारा ऊपर से राशन आता था 4 साल का वो व्हाइट का आता था, पर ये 100 रुपये लेता था एक कार्ड के, राशन कार्ड के 8 किलो, ये 8 किलो देता था, ना उसमें चीनी देता था ना तेल देता था, खाली गेहूँ या चावल ये देता 8 किलो, और राशन कार्ड अपने पास रख लेता था और अगले दिन कहता था कि अगले दिन आइयो और अपना राशन लेके चले जाइए। जब हम अगले दिन जाते थे तो ये मना कर देता, भाई राशन इनको मिलने का नहीं। जब हम घर आके देखते थे तो उसमें राशन चढ़ा हुआ मिलता था और ये हमें राशन देता था, कभी कभी राशन दे देता था 100 रुपये का। देखो जी महाराज, हम गरीब आदमी हैं बहुत, हमारा गांव में झोपड़ा नहीं, जंगल में खेत नहीं आया, हमारा मजदूरी आदमी है हम। हमारा जो अब से 4 साल पहले हमारा जो राशन कार्ड था सफ़ेद बना हुआ है, और ये जो हमारे यहाँ डीलर है इसने 465 आदमियों को पेड़े कार्ड दे रखे बना बना करके, तो उसके पैसे लगा करके जैसे पेड़े पे मिलता है राशन ऐसे ही पैसे लेता है ये सब सब। फिर हम अभी इस बात का नहीं पता था ये सफ़ेद है या पेड़े है, ये हमारे यहाँ प्रधान